Redmi Note 10 Pro डिवाइस के लिए पिक्सल ओएस का जो लेटेस्ट अपडेट है अवेलेबल हो गया है एंड इस अपडेट को मैं कुछ टाइम से यूज कर रहा हूँ एंड सच में काफी स्टेबल एंड स्मूथ एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा। कोई भी मेजर इशू को हमने यहाँ पर नोटिस नहीं किया है, सभी जो ऑप्शन है यहाँ पर काम कर जाएगा, कोई भी लैग देखने को नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पर ऐप ड्रॉअर के बारे में। देख सकते हो यहाँ पर ऐप ड्रॉअर के साथ कोई भी लैग नहीं है, क्विक सेटिंग्स पैनल के साथ भी कोई भी लैग देखने को नहीं मिलेगा। तो ये जो अपडेट है एंड्रॉयड 14 के ऊपर बेस करके तैयार किया गया है। लेटेस्ट 5th May 2024 का जो सिक्योरिटी पैच अपडेट भी देखने को मिल जाएगा 4.14 कर्नल के साथ। पिक्सल ओएस का जो है ऑफिशियल बिल्ड है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस अपडेट का जो है डाउनलोड लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, वहां पर जाकर Redmi Note 10 Pro, Redmi Note 10 Pro Max डिवाइस के लिए इस अपडेट को डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हो। यहाँ पर कुछ इस तरह से जो है क्विक सेटिंग्स पैनल देखने को मिलेगा। यहाँ पर कनेक्टिविटी के साथ भी कोई भी इशू नहीं है, वॉल्टी वो आईफाई वाईफाई हॉटस्पॉट मोबाइल डेटा सभी जो फीचर्स यहाँ पर काम कर जाएगा। इवन ऑलवेज़ ऑन डिस्प्ले का जो फीचर से ऐड किया गया है ऑलवेज़ ऑन डिस्प्ले भी काम कर रहा है एंड आपको ज़्यादा जो है बैटरी ड्रेन देखने को नहीं मिलेगा। ओवरनाइट लगभग जो आपको यहाँ पर 4% से 5% के आसपास जो है पर बैटरी ड्रेन देखने को मिलेगा जो कि काफ़ी सही है। तो बैटरी बैकअप भी बढ़िया है। बाकी यहाँ पर जो है एडवांस रिबूट का जो ऑप्शन है आपको अलग से जो है सेटिंग्स में शायद एनेबल करना होगा। तो यहाँ पर Redmi Note 10 Pro, Redmi Note 10 Pro Max डिवाइस के ऊपर पिक्सल ओएस को किस तरह से इंस्टॉल करते हैं इसके बारे में ऑलरेडी हमने वीडियो अपलोड किया है, स्टेप बाय स्टेप इंस्टॉलेशन वीडियो अवेलेबल है। Redmi Note 10 Pro का जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाके चेकआउट करके देख सकते हो। एनीवे बात कर लेते हैं यहाँ पर लॉक स्क्रीन के बारे में। तो कुछ इस तरह से एंड्रॉयड 14 के साथ जो है लॉक स्क्रीन कस्टमाइजेशन का ऑप्शन है, इवन जो शॉर्टकट है इसे भी आप जो है कस्टमाइज कर सकते हो। एंड सच में कोई भी लैग हमने यहाँ पर नोटिस नहीं किया है। यहाँ पर ऐप ओपनिंग एनिमेशन ऐप क्लोजिंग एनिमेशन जो है काफ़ी स्मूथ है। प्लस आपको यहाँ पर इम्प्रूव रैम मैनेजमेंट भी देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर कुछ इस तरह से वॉल्यूम पैनल देखने को मिलेगा। यहाँ पर जो है कैमरा टू एपिक के साथ लेवल 3 का सपोर्ट है, गूगल कैमरा यहाँ पर काम कर जाएगा एंड जी कैम का जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाके लेटेस्ट जी कैम का जो रिव्यू वीडियो है उसे चेकआउट करके देख सकते हो। यहाँ पर MIUI कैमरा को ऐड किया गया है। तो यहाँ पर 1x 2x अल्ट्रावाइड लेंस का जो फीचर्स है अवेलेबल है। यहाँ पर HDR मोड काम कर जाएगा। AI कैमरा का जो फीचर्स है ऐड किया गया है। सुपर मैक्रो मोड का ऑप्शन है। पोर्ट्रेट मोड के साथ जो है ब्लर को एडजस्ट करने का ऑप्शन है। नाइट मोड का ऑप्शन है। यहाँ पर 64 मेगापिक्सल शॉर्ट वीडियो पैनोरामा स्लो मोशन टाइम लैप्स ये सभी ऑप्शन है। प्लस वीडियो रिकॉर्डिंग के साथ जो है EIS का जो ऑप्शन है काम कर जाएगा। स्टेबलेशन को एनेबल करने का ऑप्शन है। डिफरेंट फिल्टर्स को ऐड कर सकते हो। 4K 30fps के साथ वीडियो को रिकॉर्ड करने का ऑप्शन है एंड सुपर मैक्रो मोड भी काम कर जाएगा। प्लस यहाँ पर प्रो मोड को भी ऐड किया गया है। यहाँ पर FM रेडियो का जो ऑप्शन है काम कर जाएगा। सिंपली यहाँ पर हेडफोन को कनेक्ट करके आप जो है FM रेडियो को एक्सपीरियंस कर सकते हो। एंड Gemini AI भी काम कर जाएगा, हमने यहाँ पर टेस्ट करके देखा है। बाकी यहाँ पर बाय डिफॉल्ट प्ले स्टोर भी अवेलेबल है, अलग से आपको प्ले स्टोर को इंस्टॉल नहीं करना होगा। यहाँ पर इनकॉल वाइब्रेशन फीचर्स को ऐड किया गया है। प्लस एडवांस रिबूट का जो फीचर्स है अवेलेबल है। फेस अनलॉक जो यहाँ पर काम कर जाएगा। अभी फिलहाल बात कर लेते हैं पर परफॉर्मेंस के बारे में। यहाँ पर 3DMark के साथ जो है वाइल्ड लाइफ के साथ 1105 का जो स्कोर है देखने को मिल गया है Redmi Note 10 Pro डिवाइस के ऊपर। तो यहाँ पर 3DMark के साथ जो कुछ इस तरह से स्कोर देखने को मिलेगा। Geekbench 5.5.1 के साथ सिंगल कोर के साथ 569 एंड मल्टी कोर के साथ जो है 1555 का जो स्कोर है देखने को मिल गया है। यहाँ पर Geekbench 5 के साथ सिंगल कोर एंड मल्टी कोर का जो स्कोर है काफी बढ़िया है, एवरेज से ज्यादा स्कोर देखने को मिल जाएगा। प्लस Geekbench 6.3.0 के साथ भी सिंगल कोर के साथ 748 एंड मल्टी कोर के साथ भी 1784 का जो स्कोर है देखने को मिला है। यहाँ पर भी जो है सिंगल कोर एंड मल्टी कोर के साथ परफॉर्मेंस जो है काफी बढ़िया है। तो यहाँ पर डेफिनेटली पिक्सल ओएस के साथ जो है Redmi Note 10 Pro डिवाइस के ऊपर इस पर्टिकुलर अपडेट के साथ जो है परफॉर्मेंस के साथ इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। 3DMark के साथ काफी बढ़िया स्कोर है। Geekbench 5 के साथ भी काफी बढ़िया स्कोर देखने को मिलेगा। इवन Geekbench 6.3.0 के साथ भी सिंगल कोर मल्टी कोर का जो स्कोर है काफी बढ़िया है।
एंड यहाँ पर बाई डिफॉल्ट विदाउट मैजिक्स विदाउट रूट सेफ्टी नेट पास हो जाएगा। गूगल पे फोन पे इस तरह के जो एप्लीकेशन है बाई डिफॉल्ट काम कर जाएगा इस अपडेट के साथ। तो परफॉर्मेंस काफी बढ़िया है, परफॉर्मेंस के साथ आपको कोई भी इशू देखने को नहीं मिलता है। नेक्स्ट यहाँ पर बात कर लेते हैं बैटरी बैकअप के बारे में। तो यहाँ पर बैटरी विजेट्स का जो फीचर्स है ऐड किया गया है, प्लस यहाँ पर चार्जिंग कंट्रोल का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा, ऑटोमेटिक शेड्यूल कस्टम शेड्यूल एंड लिमिट चार्जिंग का जो फीचर्स है ऐड किया गया है। जैसे कि हमने यहाँ पर लिमिट चार्जिंग को एनेबल किया है, उसके बाद 80% होने के बाद जो है डिवाइस जो है चार्ज नहीं होगा, तो ये काफ़ी सही है। प्लस यहाँ पर बैटरी परसेंटेज को भी एनेबल कर सकते हो। जैसे आपको बताया है यहाँ पर इस अपडेट के साथ जो है ओवरनाइट बैटरी ड्रेन जो है काफ़ी कम देखने को मिलेगा। यहाँ पर हमारे यूजर्स के हिसाब से 120 हर्ट्ज के साथ जो है लगभग 7 आवर्स से भी ज़्यादा स्क्रीन ऑन टाइम देखने को मिल जाएगा, जो कि काफ़ी बढ़िया है। एंड अगर आप एक हैवी यूजर हो तो यहाँ पर इस अपडेट के साथ जो है बैटरी बैकअप के साथ कोई भी शिकायत का मौका नहीं है। यहाँ पर काफ़ी बढ़िया बैटरी बैकअप देखने को मिलेगा, यहाँ पर आइडल बैटरी ड्रेन भी काफ़ी कम है। नेक्स्ट यहाँ पर इस अपडेट के साथ जो है थर्मल प्रोफाइल का जो फीचर्स यहाँ पर अवेलेबल है। सिस्टम अपडेट का ऑप्शन है, ओटी अपडेट को चेक कर सकते हो। यहाँ पर गेशेस के साथ जो है क्विकली ओपन कैमरा का जो फीचर्स है ऐड किया गया है। पावर बटन को डबल बार प्रेस करके आप जो है कैमरा एप्लीकेशन को ओपन कर सकते हो। नेविगेशन मोड, 100 मोड, प्रेस एंड होल्ड पावर बटन का ऑप्शन है। स्वाइप टू स्क्रीनशॉट का जो फीचर से काम कर जाएगा। क्विक टॉर्च का ऑप्शन है। प्लेबैक कंट्रोल का जो फीचर से ऐड किया गया है, सिंपली यहाँ पर वॉल्यूम बटन को लॉन्ग प्रेस करके आप जो है गाना को स्किप कर सकते हो, इसे भी ऐड किया गया है। यहाँ पर लाइव ट्रांसलेट का जो ऑप्शन है काम कर जाएगा। ऑन स्क्रीन कीबोर्ड का जो फीचर से ऐड किया गया है। यहाँ पर लोकेशन के साथ भी कोई भी इशू नहीं है। प्लस यहाँ पर फेस अनलॉक एंड फिंगरप्रिंट सेंसर का जो ऑप्शन है काम कर जाएगा। हमने यहाँ पर फिंगरप्रिंट सेंसर को ऐड किया था, काफ़ी फास्ट डिवाइस जो है यहाँ पर अनलॉक हो जाएगा, कोई भी इशू को हमने यहाँ पर नोटिस नहीं किया है। यहाँ पर एक्सेसिबिलिटी के साथ जो है साउंड एम्पलीफायर साउंड नोटिफिकेशन का जो फीचर से ऐड किया गया है। एक्स्ट्रा डिम का ऑप्शन है, वाइब्रेशन हैप्टिक का ऑप्शन है, लाइव कैप्शन का जो फीचर से काम कर जाएगा। यहाँ पर फ्लैश नोटिफिकेशन का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है। वॉलपेपर स्टाइल के साथ जो है एंड्रॉयड 14 के साथ यहाँ पर लॉक स्क्रीन कस्टमाइजेशन का ऑप्शन है। इवन जो शॉर्टकट है इस भी आप कस्टमाइज कर सकते हो। यहाँ पर डायनेमिक क्लॉक का जो फीचर से काम कर जाएगा। एंड ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है। यहाँ पर मैक्सिमम ब्राइटनेस एंड लो ब्राइटनेस के साथ भी कोई भी इशू को हमने यहाँ पर नोटिस नहीं किया है। डार्क मोड का जो ऑप्शन है काम कर जाएगा। यहाँ पर पिच ब्लैक थीम का जो फीचर से यहाँ पर ऐड किया गया है। प्लस नाइट लाइट मोड का ऑप्शन है, लाइव डिस्प्ले का जो फीचर से अवेलेबल है। डबल टैप टू वेक अप, डबल टैप टू स्लीप का जो ऑप्शन है काम कर जाएगा। साउंड एंड वाइब्रेशन के साथ जो है नोटिफिकेशन वॉल्यूम को एडजस्ट करने का ऑप्शन है। लाइव कैप्शन, एडेप्टिव साउंड, वाइब्रेशन हैप्टिक, डॉल्बी एटमोस एंड हैप्टिक फीडबैक का जो ऑप्शन है काम कर जाएगा। बाकी यहाँ पर नोटिफिकेशन के साथ जो है एनहांस नोटिफिकेशन, फ्लैश नोटिफिकेशन का जो ऑप्शन है काम करता है। नोटिफिकेशन हिस्ट्री का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है। तो डेफिनेटली Redmi Note 10 Pro डिवाइस के ऊपर पिक्सेल ओएस का जो लेटेस्ट अपडेट है जरूर से ट्राई करके देखना, काफ़ी स्मूथ एंड स्टेबल एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा। कोई भी लैग नहीं है एंड कोई भी मेजर इशू हमने यहाँ पर नोटिस नहीं किया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के ऊपर, एंड Redmi Note 10 Pro का जो प्लेलिस्ट है जरूर से चेकआउट करके देखना।